अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया है, जिसको लेकर आज स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जल निगम के गेट का ताला तोड़ा। दरअसल लोअर मॉल रोड सरकारी औली से लगे सैकड़ों ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग जल निगम कॉलोनी से जाता है, लेकिन वर्तमान में अधीक्षक अभियंता ने गेट पर ताला लगाकर इसको बंद कर दिया है, जिसको लेकर विधायक और ग्रामीणों ने जल निगम गेट में धरना प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि इसके आसपास कई गांवों के लोग रहते हैं जिनका एकमात्र रास्ता यही है, जबकि 2014 में कांग्रेस की सरकार में सड़क की स्वीकृति हो गई थी और टोकन मानी भी जारी की गई है। इसके बावजूद अधीक्षक अभियंता की मनमानी चल रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सरकार की आली के लगभग 100-150 मावस यहां पर रहते हैं इस अधीक्षक अभियंता कार्यालय के नीचे, और जब ये विभाग का कार्यालय यहाँ पर नहीं था उससे पहले लोग यहाँ पर बसासत करते थे, करते आ रहे हैं, और इससे पूर्व भी कई अधीक्षण अभियंता रहे होंगे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, दुसाहस नहीं करा कि यहाँ पर इस गेट में ताला लगा जाए और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उनका एक ही है मुख्य रास्ता है। लेकिन वर्तमान के अधीक्षण अभियंता श्री अनु पांडे जी द्वारा जबरन यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना के ताला लगा दिया गया, जबकि यहाँ से नीचे गाँव को 2016 में 2014-15 में जब मेरी सरकार थी, मैं विधायक के रूप में था, हमने यहाँ पर मोटर मार्ग स्वीकृत किया, उसके लिए टोकन मनी जारी हो गया था और शासन द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव भी अपनी सहमति दे दी गई है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर ताला लगा दिया गया और आज मजबूरन हमें इस गेट को खोलना पड़ा है। और मेरी शासन प्रशासन को चेतावनी है कि जो जनता के जनहित के विषय हैं उसमें सहयोग करने की आज आवश्यकता है, और चेतावनी, अगर इसको पुनः बंद किया तो हम इसको पुनः खोलने का काम करें।